एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, फरजाना बेगम की मैरिज होम पर चला बाबा का बुलडोजर। जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में 6 वर्ष सपा नेता एवं वर्तमान करहल नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल नईम की पत्नी फरजाना बेगम के नाम मैरिज होम पर चला बाबा का बुलडोजर। करहल तहसील क्षेत्र के ईदगाह के पास स्थित गाटा संख्या 1872 एक तालाब पर अवैध कब्जा कर प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर दबंगई के बल पर बनाया था मैरिज होम। करहल विधानसभा क्षेत्र के कस्बा करहल में अखिलेश यादव विधानसभा क्षेत्र में चला बाबा का बुलडोजर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं सपा अध्यक्ष अब्दुल नईम। वर्तमान में समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर बने हैं करहल नगर पंचायत के अध्यक्ष। तालाब में अवैध कब्जा कर बनाया गया था मैरिज हॉल, जिसका लंबे समय से चल रहा था न्यायालय कलेक्ट्रेट मैनपुरी में मामला। कई दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को न्यायालय ने अवैध रूप से बने मैरिज हॉल को तुष्टीकरण करने का किया था आदेश। आदेश मिलने के बाद करहल SDM नीरज द्विवेदी 15 जुलाई 2024 को नोटिस जारी कर कब्जा हटाने की थी अपील। नोटिस मिलने के बाद भी चेयरमैन की पत्नी फरजाना बेगम ने नोटिस पर नहीं किया था अमल। चेयरमैन की दबंगई के चलते SDM करहल नीरज द्विवेदी, CO संतोष कुमार के नेतृत्व में PSC सहित कई थानों की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में किया गया तुष्टीकरण का कार्य।